उस ज़माने में वो प्लास्टिक की काली थैलियाँ भी हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा होती थी, और मैं उस ज़माने में ड्राइव करती थी, और मेरे बच्चे छोटे थे और मैं उनको लेकर और घर जा रही थी, और एक प्लास्टिक की थैली काली मेरी विंडशील्ड पर आके और चिपक गई, और बिल्कुल एक्सीडेंट होते होते बचा। तो मतलब ये कि एक कोई भी बात आपको इंस्पायर करती है ना। मैंने पहली किताब जो इस सिलसिले में लिखी थी, आज 26-28 साल तो हो गए होंगे, तो उस किताब का नाम था काला भूत, एक तस्वीरी कहानी सिलसिला जिसमें पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उन पर मैंने, उनकी जो बायोग्राफीज़ हैं, सवाने हयात हैं, उन पर ये जो पूरी सीरीज़ है उसमें उनकी कहानियाँ हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी है कैप्चर करना बच्चों का अटेंशन, और ये ज़रूरी है कि उनकी दिलचस्पी की बात हो रही हो। तो कहानी जो है ना, वो तो हर एक को अच्छी लगती है सुनना। मिल गया, मुझे मिल गया, अस्मा ये कहते हुए अपने अब्बू और अम्मी की तरफ दौड़ी। ख्याल, बल्कि मैं कहूँगी आइडिया तो बेटे ने ही दिया था। बच्चों को कहानियाँ वीडियोस के ज़रिए सुनाएं तो ज़्यादा उनको मज़ा आएगा। अब जब मैंने 100 कर ली ना वीडियोस, तो मैंने सोचा कि चलें अब बस बहुत हो गया। लेकिन जो मुसलसल मुझे फीडबैक मिल रहा था, जो मैसेजेस आ रहे थे, जो मेरे इनबॉक्स में भी और ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मेरा बस देखिए, आप फलते फूलते उसी पर हैं। जो भी बच्चों के लिए लिखते हैं, ज़रूर उनको ये जहन में रखना होता है कि बच्चों के मतलब की चीज़ लिखी जाए। कोशिश ये करती हूँ कि मेरी किताबों में बिल्कुल उस तरह से एकदम ब्लंटली, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बातें ना की जाए, मॉरलाइजिंग ना हो, बल्कि बहुत सटल मैं चाहती हूँ, ह्यूमर भी हो। जब कोई बच्चा मुझसे ये कहता है ना कि मैं भी आपकी तरह बच्चों की राइटर या बच्चों का राइटर बनना चाहता हूँ, तो यकीन कीजिए, इससे बेहतर फीडबैक कोई नहीं है।